इस बुनियाद पर कायम है कि आपने शहजाद अकबर जैसे वो लोग जो कि दे लाइट थ्रू दे टीथ ऐसा झूठ बोलते हैं और इस डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस हद तक बेशर्मी के साथ ब्लेटेंट लाए, उनको पता भी होता है जो वो कह रहे हैं गलत हैं, लेकिन फिर आके इतना हौसला है उनमें, इतनी एडवर्सिटी है कि वो आके नेशनल टीवी पे आके कैमरा के सामने बैठ के पूरे मुल्क के सामने झूठ बोलते हैं। अभी आज के जो ये FIA के मुकदमात हैं, हमें मुकम्मल तौर पे इस बात के यकीन है कि सिर्फ बिजनेस प्रैक्टिसेस को उठाकर वो मुकदमे लेकर आ गए हैं और उनको मुकदमे की सूरत देने की कोशिश की है। आज तक नहीं पता प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है, आज तक नहीं पता कि किस जुर्म की वजह से ये मुकदमात कायम है, आज तक नहीं पता कि जिसको ये प्रिवेंशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस 1947 उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है आपने, करप्ट प्रैक्टिस का आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, करप्ट प्रैक्टिस का आपको पता है कि किसी के बिजनेस के साथ लिंक करने, इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये जो अता भी कह रहे थे कि इनको हमने भागने नहीं देना, हम कानूनी तौर पर यह कह रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि हमने इनको गिरेबान से आके पकड़ लेना है या हमने इनको इन सब चीजों के इस मलिशियस फॉल्स प्रोसिक्यूशन के CRPC के अंदर कवानीन मौजूद है जो ये कहते हैं कि जब ये मुकदमात और फिर ये मुकदमात फुटप्रिंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट की इमारत के ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, शहजाद अकबर उनके ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, शहजाद अकबर हर रोज दर्ज की जानी FIR के बाद, रोज जमा करवाए जाने वाले चलान के बाद ये साबित होता है कि शहजाद अकबर इनके ऊपर अपनी एक इम्प्रिंट देते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने बड़ी खंदा पेशानी के साथ हर इल्जाम को सुना भी है, सहा भी है, उसका जवाब भी दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात कायम किए, कोई लगभग 100 से ऊपर पेशियों पर वो अदालतों में गए और उन्होंने जाकर अपने वो शवाहिद, जिनको ये कहते हैं कि वो शवाहिद बताएं, नॉन डिक्लेरेटेड लॉज जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, लॉज वक्त के साथ अपनी हैसियत तब्दील करते हैं, बदलते हैं, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नए कवानीन बन जाते हैं। अगर आज एक कानून जो है वो आप उसके मुतल्लिक कह रहे हैं कि उसके तहत किया गया काम जो कल आपने किया था तब लॉज को एक जुर्म नहीं कहता था, आज उसको कहता है, आपकी इन एक्सप्लेनेशंस को हम समझने से कासिर हैं। हमारी बात बिल्कुल शहजाद अकबर का के ये कहा के कहना कि शहबाज साहब, मैं ये कहता हूं शहजाद साहब कि शहबाज साहब की जात मुआखजे से आपने अभी तक कोई एक जुर्म बताएं तो सही ना, आप कहते हैं वो सरगना है, हम कहते हैं कि आप सरगना है उस झूठ के, उस ब्रिगेड के जो कि गवर्नमेंट की छत्र छाया में पल रहे, आपके मिनिस्टर्स की एक फौज पिछले 3 साल से, तो कहां पर यह इंप्रेशन कायम कर सकी, क्या यह इंप्रेशन कल खानेवाल में कायम हुआ, क्या ये इंप्रेशन उससे पहले लाहौर के बाई इलेक्शंस में आपने देखा कहीं कायम हो सका, उससे पहले सियालकोट के अंदर क्या ये इंप्रेशन कायम हो सका, क्या डस्का के अंदर ये इंप्रेशन कायम हो सका, आपकी इस बात को पब्लिक रियल में भी किसी ने तस्लीम नहीं किया, चे जाए के कोर्ट्स, यानी ना अवामी सतह पर जो आप ये आके कौम का वक्त जाया करते हैं और एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके डेवलपमेंट जिसके साथ नाम के साथ अटैच्ड है, डिलीवरेंस जिसके नाम के साथ अटैच्ड है, इस मुल्क के लोगों की जिसने खुद खिदमत की, जिसका पॉलिटिकल इक्विपमेंट 35 साल से इस मुल्क के लोग तस्लीम भी करते हैं और बारहा बैलेट के जरिए उसको साबित भी करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आके आप जब इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर बड़ा क्लियरली ये एविडेंट है, ये बात नजर आती है कि आपकी सारी बातें बदनीति के ऊपर मबनी है। आप 3 बातों को मैं आपकी आप बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। नंबर 1, शहजाद साहब के इन इल्जामात में क्या फर्क है जो आपने नैब में नहीं लगाए थे, क्या आपने एक ही जुर्म की 2 दफा 2 मुख्तलिफ एजेंसी से तफ्तीश करने के बाद भी तसली नहीं हुई, और फिर क्या फर्क है इन इल्जामात का जो नेशनल क्राइम एजेंसी में जब उठाकर उन्होंने वो कागजात आपके मुंह पर मारे और कहीं अगर आपको कोई एम्बेरसमेंट नाम की कोई चीज किसी शख्स के नजदीक से गुजर सकती, ये ओमिक्रोन है सियासत के, वो पहले कोरोना वायरस के मुतल्लिक ये पता चला था कि वो तो कहीं छूने से या किसी क्लोज कांटेक्ट से आता है, ये ओमिक्रोन तो ये तो आज पता चला है कि किसी विसिनिटी से अगर कहीं इकट्ठे हो तो वहीं वहां से कोई गुजर रहे तो तब भी लगता है, तो ये शहजाद साहब एक ऐसा वायरस है जो झूठ की बुनियाद पर प्रोपोगेशनिस्ट रेजीम है। हम मानते थे कि इमरान खान की एक सेट माइंडसेट है कि वो प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर अपने काम को चलाने की बात करते हैं, लेकिन इस हद तक जब आप लोगों की इन मुकदमात में आके आपने एक झूठ की बुनियाद पर, तो अब ये आप हमारा केस नहीं है, इट इज राइटली सेट ये केस अब आप इमरान खान के, आपने 3 साल तक स्वयं झूठ के गलत मुकदमात कायम करने के, वही मुकदमात को बार बार रिपीट करने के, आज तक प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या ना बता सकने के बावजूद, पहले नैब से फिर FIA से आपको जाके दियारे गैर में भी खाक चाटनी पड़ी, UK की नेशनल क्राइम एजेंसी से,
और हम हर जगह पर जैसे हमने नैब के अंदर अपने जवाब दिए वैसे देंगे, यहां पर भी हम अपने जवाब देंगे और इंशाल्लाह अजीज उनका फेट वही होगा। ये आपकी आज जितनी बात थी सोए हर्जा सराई और झूठ के कुछ भी नहीं था, एंड वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दिस, लीगली वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं एक मरतबा फिर कुछ लोग जरा ताखीर से आए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खानेवाल के बाई इलेक्शन की शानदार फतह के बाद इमरान न्याजी और उनकी सियासी जमात शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हर हलके ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो लाहौर हो जहां से वो इलेक्शन छोड़ के भागे हों, वो कराची हो जहां वो चौथे नंबर पर आए हों और तहरीक लबैक से भी कम वोट लिए हों, वो कल खानेवाल जनूबी पंजाब का हलका हो जहां उन्हें रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। तो ये तो अभी आपकी गवर्नमेंट है, तो ये कुछ आप सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से थोड़े बहुत वोट ले जाते हैं, जब आप सरकार में नहीं होंगे तब आटे दाल का भाव पता लगेगा, क्योंकि तब अवाम का रद्द अमल और ज्यादा खुलकर सामने आएगा और जो महंगाई बेरोजगारी गुर्बत के खिलाफ रद्द अमल देखा है मैंने खानेवाल में गलियों मोहल्लों में फिरकर अवाम की आंखों में खून देखा है। वो पुराना पाकिस्तान वापस चाहते हैं जिसमें उनके जिले में मोटरवेज हाईवेज बन रही थी, अस्पताल स्कूल कॉलेज बन रहे थे और आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली और गैस के बिल भी कम आते थे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है अब क्या करें, अगर डिलीवर मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ ने किया उसको तो बदल तो नहीं सकते, तारीख तो बदली नहीं जा सकती, ना ही ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोल बैक करके कहीं बंद किए जा सकते हैं, आपके बस में होता तो आप ये बंद कर देते। तो अब शहजाद अकबर साहब जो इमरान खान साहब ने जिनका नाम ईसीएल में डाला है, एक इनफॉर्मल ईसीएल है इमरान खान साहब की, वो चंद हफ्ते पहले जो सफरी पाबंदी लगाई गई वज़रा के ऊपर, ये पहली दफा हुआ है तारीख में कि कोई वजीर आजम कहे जी 3 माह के लिए कोई वजीर बैरून मुल्क नहीं जाएगा। तो हमारी मुसद्दका इतलात हैं कि शहजाद अकबर साहब की 4 से 5 मरतबा इमरान खान साहब ने सरजनिश की कि तुमने मुझे मरवा दिया, 3 साल 3.5 साल जो तुम जो केसेस बनाते रहे हो उनमें से निकला कुछ नहीं, कोर्ट्स बरी कर रही हैं लोगों को, कोर्ट्स कह रही हैं अदम शवाहिद की बिना पर कोर्ट से बेल मिल जाती है, कोर्ट अपने रिमार्क्स में कहती है कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई टीटी नहीं है, तो ये तुमने क्या किया है। इमरान खान साहब के हालात देखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब के भी दिन थोड़े रह गए हैं, उनके हालात देखते हुए और इन मामलात को देखते हुए हमारी मुसद्दका इतलात हैं कि शहजाद अकबर साहब ने बैरून मुल्क शिफ्ट होने का और भागने का फैसला किया और जिस मुल्क उन्होंने राबता किया वहां से वो कॉल ट्रेस हुई और इमरान साहब को रिपोर्ट हुई, जिसके बाद गैर महजूज अंदाज में इमरान साहब ने वज़रा मशीरों पर सफरी पाबंदी आयद की। तो शहजाद अकबर साहब आपको भागने तो नहीं देंगे, केसेस आप पे हम बनाएंगे और आपका नाम ईसीएल में भी डालेंगे। इतनी जल्दी बैरून मुल्क भागने की मनसूबाबंदी नहीं करनी चाहिए। इमरान न्याजी साहब के अच्छे दिन आपने देखे हैं तो अब बुरे दिन भी आने वाले हैं, उनका साथ दें। इस तरह से अपने लीडर को अपने आका को छोड़ के नहीं भागते होते, आपसे गलतियां हुई हैं, आपने गलत केसेस बनाए हैं हम मानते हैं, और आप इंटरनेशनल तौर पे आपको जिल्लत का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान की अदालतों में तो किया ही किया है, बैरून मुल्क भी लोगों ने कहा कि ये झूठा आदमी है, आप सर्टिफाइड झूठे सर्टिफाइड फरेबी इंसान है, और आपने जो ARU बनाया है टैक्स पेयर्स के पैसे से आप वहां पर लोगों को तनख्वाहें देते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, याशिया करते हैं पाकिस्तानी अवाम के पैसे पर, क्या बताना पसंद करेंगे कि कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं एसेट रिकवरी यूनिट बनाने पर और उसको कायम रखने पर, और उसका हिसाब एसेट रिकवरी यूनिट का किसने देना है। आप बाहर भाग के चले गए तो हम तो यहां आपके जो एसोसिएट्स हैं उनसे रिकवरियां करते फिरेंगे। तो ये इमरान साहब ने जो सफरी पाबंदी लगाई और सजनेश जो हम की है इसकी 3-4 दफा और वो लोगों में की है कि तुम रोज फाइलों के पलंदे उठा के लाते हो, निकलता कुछ नहीं है अदालतों में, और निकलना भी कुछ नहीं है ही कुछ नहीं, दें मालम जब्बा का जवाब, दें हेलीकॉप्टर केस का जवाब, दें वो BRT पिशावर जिसपे स्टे पे स्टे पे स्टे लिया हुआ है आपने, दें जवाब फॉरेन फंडिंग का, आपके लिए आटा चीनी LNG और अद्वियात के स्कैंडल ही बड़े हैं। इमरान न्याजी ने अपनी नाक के नीचे पहले आटा एक्सपोर्ट किया, जब किल्लत पैदा हुई इंपोर्ट किया, लोकल कीमतें ऊपर चली गई, फिर चीनी का ये हशर किया, चीनी की किल्लत थी एक्सपोर्ट कर दी,
कीमतें ऊपर चली गई फिर इंपोर्ट की, तो ये जवाब देना होगा, एक एक पाई का आपसे हिसाब लेंगे। और शहजाद अकबर साहब, हमने लीगल सेल बना दिया है, आपके खिलाफ हम दरखास्त बाजी भी करेंगे, और आपके बाहर जाने के हवाले से हमें जो इतलात मिली हैं, और जो इमरान न्याजी साहब ने आपका नाम इनफॉर्मल ईसीएल पे डाला है, उस पर भी कानूनी चाराजोई करेंगे। हमें खदशा है कि आप बहुत जल्द बाहर भागने वाले हैं। तो ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि एक वजीर आजम ने अपने ही वजीरों का नाम ईसीएल में डाल दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको नजर आ रहा है कि ये मैं तो नहीं रहूंगा तो ये मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। तो किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। अवाम की जो आपने दौलत लूटी है, एक एक पाई का आपसे हिसाब लेंगे। और ये जो खानेवाल का बाई इलेक्शन है, इसने आने वाले आम इंतखाबात का ट्रेंड सेट कर दिया है। इंशाल्लाह के फजल से यही रिजल्ट आम इंतखाबात में भी आएगा। आपकी हुकूमत नहीं होगी, आप शायद हो सकता है तीसरे चौथे नंबर पर चले जाएं। आपकी टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। आपके अपने पार्टी के मेंबरान निजी महफिलों में बैठ के कहते हैं कि जो हालात मुल्क के हो गए, हम आवाम के पास क्या मुंह लेके जाएंगे, पीटीआई की टिकट लेंगे। मैं ये बड़ा वाजे कह दूं, जो उम्मीदवार पीटीआई की टिकट लेगा वो -10-20 हजार से घर से लेके निकलेगा। उसको वो लीड कवर करनी पड़ेगी जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्तर भूख की वजह से है। तो ये पीटीआई बिल्कुल आने वाले दिनों में बिल्कुल फारग हो चुकी है। अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो सूरत हाल है, और इंशाल्लाह किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। कहते हैं वैसे तो वो देखें, वो नहीं, देखिए ये बेसिकली मिसकंसीव्ड है। इसको हम इसलिए मिसकंसीव्ड कहते हैं कि बेनामी की डेफिनेशन है, और मेरा ये ख्याल है कि जो एफआईए अथॉरिटीज थी उन्होंने भी तस्सुक की इतनी गहरी ऐनक शहजाद अकबर के कहने पे पहन ली कि वो बेनामी की बेसिक डेफिनेशन से भी वाकिफ नहीं रहे। जब एक चीज का वजूद मौजूद है तो उसको बेनामी कैसे कहा जा सकता है। और दूसरा ये कहना कि सोर्स बता दें, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको ये भी नहीं पता कि सोर्स की डिक्लेरेशन का फॉर्म कौन सा है। अब जब इस मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है और वो कानून ये तकाजा करता है कि मैं कुछ अपने जवाब एफबीआर को दूं, कुछ डिक्लेरेशन में मैं ईसीपी को अपने जवाब देता हूं, कुछ मुझसे तकाजा करते हैं कि मैं अपने जवाब जो हैं वो सर्टन डिपार्टमेंट को आके दूँ, तो ये मुझसे इनका तकाजा करना, अनलेस दे एलिज, जब तक मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि ये जुर्म है, ये आपने मलिक साहब से इतनी किकबैक वसूल की, इसकी वजाहत करें, या ये वो पैसे हैं जो आपके पास गए फलां प्रोजेक्ट के तहत गए, आपने इतने बड़े बिजली के कारखाने लगाए जिसने इस मुल्क के अंदर इतने हजार मेगावाट ऐड कर दिया, एक पाई की करप्शन नहीं, आपने इतने मेट्रो के प्रोजेक्ट्स लगाए, आपके 5 मेट्रो के 4 प्रोजेक्ट्स एक तरफ और बीआरटी एक तरफ, ये आपने किस तरह से ये मुआवजा किया, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई करप्शन नहीं। अनलेस देयर इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसको मुझे एफआईए और नैब से तफ्तीश करवाना, वो जवाब जो मेरे सेक्शन 114 से बियॉन्ड नहीं है उनका मुझसे एफआईए से पूछवाना, और ये जानते हुए कि ये बिजनेस हाउस है, ये जानते हुए कि मेरे बैंकिंग कंपनीज के साथ कितने डेट्स हैं, मैंने कितने लोन्स ऑब्टेन किए हुए हैं, ये सब कुछ पता होते हुए भी अगर मुझसे ये पूछा जाए कि डिपॉजिटर कौन है, तो मैं कहूंगा फिर इसके फॉर्म 29 कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, इसको पता नहीं कि फील्ड 1 क्या होती है, इसको पता नहीं कि फील्ड 53 क्या होती है, इसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट की एबीसी नहीं पता, एंड ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ, झूठ बोल रहे, और वही कुछ एफआईए से लिखवा रहे। अब कब तक ये नॉनसेंस बर्दाश्त करें? नैब के कोर्ट के अंदर उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकी गई, एनसीए के अंदर जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको इस काबिल चार्ज नहीं समझा गया, हाईकोर्ट के अंदर गया, उन्होंने कहा वेयर इज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, लेकर के आए वही मामला एफआईए में, और फिर आके कैमरे के आगे बैठ जाता है। शर्म नाम की कुछ चीज है किसी के पास? वी फेल टू अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब ने आज ये कहा है कि डे बाय डे प्रोसीड की जाए, तो अगर आप समझते हैं कि इन केसेस में कुछ नहीं है, आज क्लियर है, तो फिर आप भी डे बाय डे प्रोसीड की तरफ क्यों नहीं जाते? जो है वो तारीख ले ली जाती है, नेशनल क्राइम एजेंसी का जो रिपोर्ट आती है वो अदालत में पेश नहीं की जाती, उसके ऊपर वरीयत की दरखास्त की बजाय नहीं। देखिए मेरा ख्याल आप देखना ये है कि अगर एफआईए जाके ये कहे कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो मैं तो तारीख नहीं ले रहा, तो फिर तो देखें ना तारीख कौन ले रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये बेबुनियाद मुकदमात हैं,
ये जब भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेंगे, इस मुल्क के कवानीन ऐसे हैं, इस मुल्क की अदालतों का निजाम ऐसा है कि अगर कहीं पर कुछ ज्यादती होगी, एविडेंट होगी, तो उसी तरह से हो जाएगी एविडेंट जैसे इस्लामाबाद कोर्ट में मियां साहब के फैसले में एक नॉन डिक्लेरेटरी रिजीम का हिसाब पूछा गया तो पूरे सिस्टम की मौकरी बनी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंस प्रोवाइड की तो साकिब निसार साहब की इजाद को मैं एक तरफ रखता हूं, उनके साथ मेरे लाख इख्तलाफ सही, मैंने उनकी कोर्ट अटेंड की, मुझे एतराज हुआ बतौर जज वो जो कह रहे हैं, मेरे शदीद तहफजात थे, लेकिन मैंने लब कुशाई नहीं की। उनके फैसले के खिलाफ मेरा हक है। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात में अगर एक पूरी नई जुरिस्प्रूडेंस तरतीब दे रहे होंगे और पिछली 100 साल की सारी को उठा के साइड पर रख रहे होंगे, राणा आफ्ताब जो पीपल्स पार्टी के डेप्टी ऑपोजिशन लीडर थे उनके केस में खुद फैसला दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ही वाहिद कोर्ट है जहां पर ट्रायल होल्ड करने के बाद 62-63 के फैसले किए जा सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ के केस में वो सुप्रीम कोर्ट में कहें कि मैं 184 में कर सकता हूं, मेरा हक है कि मैं कह सकूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की गई इन मुकदमात में। मीनिंग बाय ये तारीखें वो ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। देखिए अभी अता इलेक्शंस में बड़ा, मैं इनको बड़ी मुबारक भी देता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बड़ी मुतहरक कैंपेन चलाई वहाँ पे, ये भी वहाँ फील्ड से आ रहे हैं, मेरी प्राइवेटली भी इनसे बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि इस तरह कदम एतमाद किसी हुकूमत के खिलाफ मैंने नहीं देखा, ऐसा अवामी रद्द। उन्होंने कहा हमें वोट मांगना नहीं पड़ा, हम जहाँ गए हैं लोगों ने जौक दर जौक हमें वोट दी, हम अगर किसी एक जगह पे कुछ मिस करके जा रहे होते थे तो हमारे लिए अपने स्केड्यूल्स को मेंटेन करना तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। गवर्नमेंट को लोग बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर रहे जो 3 साल उन्होंने हुकूमत का हाल किया। अगर ये कोई भी निज़ाम लाते हैं, इलेक्शन करते हैं, ये घोड़े का मैदान, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, इनका सा हर जगह पर मुकाबला करेंगे, यहाँ इलेक्शन करें। लेकिन इनकी नीयत आप देखें, इनको पता है कि ईवीएम्स के तहत नहीं हो सकते, इनको पता है कि ये 3 साल से लोकल गवर्नमेंट्स को जर्ब करके खा के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको नहीं माना, हठधर्मी की इंतहा है। वो 8-9 माह से फैसला लटका के बैठे रहे कि जी इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, वो चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके उनके जो उनका हक नुमाइंदगी था लोगों का वो उनसे छीन के रखा, तो ये लोगों को हक नुमाइंदगी देंगे? ये वोट चोरी कर सकते हैं, वोट ले नहीं सकते। दूसरा ये बात कि शहबाज शरीफ साहब ने हद के इधर का दावा किया इमरान खान के खिलाफ झूठा बेबुनियाद, आप लोग कब जा रहे हैं अदालत में, कब फाइल कर रहे हैं? देखिए इसका एक मैंने कहा एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर सीआरपीसी प्रोवाइड करते हैं। मेरे खिलाफ एक स्टेट की ऑर्गन से गवर्नमेंट ने मलिशियस प्रोसिक्यूशन कराई, मैं अपना कानूनी हक रखता हूं कि जिन लोगों ने मलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैं साबित करूंगा कि ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये मेरा कानूनी हक है और ये कुछ छोटा हक नहीं है, ये बहुत बड़ा हक है। इस हकूमत की तरफ से कायम करदा मुकदमात पर मेरा ये मानना है कि ये सारे बदनीयती पर मबनी थे। ये जो शहजाद अकबर नैब ये FIA के डॉक्यूमेंट्स उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लहरा रहे हैं, तो वो तो FIA आपके विम्स पे कंट्रोल हो रही, आपके हुक्म के ताबे लिख रही है, उनको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन आप लाए ना इसमें। NCA पे जो आपने कहा कि हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमने शेयर किया NCA के डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट परमिसेबल था हमने शेयर किया, जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट था हमने शेयर किया, और हमने बताया कि वहां पे सेट ऑफ एलिगेशन भी यही था और जवाब भी था सब यही थे। हमारे फर्क हम झूठ नहीं बोल सकते कि वो मीडिया पे लाके कागजात देते हैं, हम अदालत में देते हैं। फोरम अदालत है ना जी, जो चीज अदालत में हम अपने डिफेंस में पेश करेंगे वो फिर मीडिया को दी जाएगी बात। अच्छा ये बात उन्होंने कही है कि कुछ शहबाज शरीफ ने ताबुन नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, तो अगर रास्ता ये सारी कार्रवाई अदालती समाज जो है वो करने का उन्होंने मुतालबा भी किया, क्या आप लोग चाहेंगे? मैं कहता हूं ये एक दिन जुरत करके दिखा दें, शहबाज साहब की एक स्पीच लाइव दिखा दें जो कोर्ट में वो करते हैं, कमाल करते हैं यार,
ये लाइव दिखाएंगे? इन्होंने लाइव रखा क्या है पीछे? जितना सांस इन्होंने मीडिया का बंद किया है, जितनी जुबाबंदी इस दौर में है, जिस तरह की आज के दौर में यह मुश्किल है, आप तस्वर कर सकते हैं यह किसी को हक देंगे? जो प्रोसिक्यूशन करता है वो प्रोसिक्यूशन के असूलों से दूर होता है मेरे भाई। थैंक यू।